चलिए दोस्तों, आज हम सीजीपीएससी के लिए जो फोटो और सिग्नेचर के लिए जो साइज मांगी गई है उसे हम रिसाइज या एडिट करना सीखते हैं। मेरा नाम है जालम सिंह, आप देख रहे हैं जेकेटीएस टेक्नोलॉजी। फोटो एडिट करने के लिए हम फोटो के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम ओपन विथ के ऑप्शन में जाने के बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं। यह सॉफ्टवेयर लगभग सभी के कंप्यूटर या लैपटॉप पे होता है। फोटो एडिट करने के लिए हम एडिट पिक्चर पे क्लिक करते हैं। यहाँ रिसाइज और कंप्रेसर का ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे हम रिसाइज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ कस्टम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हम 150x150 साइज डालते हैं, जो कि सीजीपीएससी में हमें साइज मांगी गई है 150x150, 150x150 px। उसके बाद हम इसको ओके को क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात हम फाइल ऑप्शन को क्लिक करके सेव एस करते हैं, जहां हमें पिक्चर को सेव करना होता है। इसके लिए हम इस फोटो को कुछ नाम दे देते हैं। इस फोटो को नाम देने के लिए हम इसको नाम देते हैं CGPSC, पिक करके इसको नाम दे देते हैं, ताकि हमें CGPSC के ऑनलाइन फॉर्म को भरते वक्त आसानी हो। इसलिए हम इसको नाम दे देते हैं CGPSC पिक करके। उसके बाद हम सेव करते हैं पिक्चर को। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को हम क्रॉस कर देते हैं। यहाँ हमें सेव का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके पश्चात हम जो फोटो सेव हुआ है उसे ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल फोटो कैसे दिख रहा है। हमारा फोटो कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब इसे हम क्रॉस कर लेते हैं। इसके पश्चात हम फोटो के ऊपर राइट क्लिक करके हम इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। फोटो का जो साइज है वो KB और MB में कितना है हम देख लेते हैं। 15 KB के लगभग यह फोटो है। सेम इसी तरह से सिग्नेचर को भी हम एडिट कर लेते हैं। इसके लिए हम राइट करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर को क्लिक करते हैं। एडिट पिक्चर को क्लिक करते हैं। उसके बाद हम रिसाइज के ऑप्शन को क्लिक करते हैं। यहाँ हम कस्टम को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ भी हम स्टैंडर्ड जो साइज CGPSC के लिए सिग्नेचर के भी जो साइज मांगी गई है वहाँ इसके लिए हम 150x150 150x150 डालकर ओके कर देते हैं। उसके पश्चात हम फिर से फाइल के ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ भी सेव एस करते हैं। इस सिग्नेचर को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। इसके लिए नाम देने के लिए हम CGPSC साइन करके इसका भी नाम देकर हम इसे सेव कर लेते हैं, ताकि हमें ऑनलाइन अपलोड करते वक्त हमें आसानी हो। अब फिर से क्रॉस कर देते हैं। यहाँ भी फिर से ऑप्शन पूछेगा तो हमें सेव कर देना है। अब हम सिग्नेचर को भी चेक कर लेते हैं कि हमारा सिग्नेचर दिखता कैसे है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सिग्नेचर कुछ इस साइज में दिखेगा। अब इसे भी क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने के पश्चात जो सिग्नेचर का जो पिक सेव हुआ है उसे हम राइट क्लिक करके
प्रॉपर्टीज में जाते हैं, हम यहाँ इसकी केबी और एमबी चेक कर लेते हैं। इसका जो केबी दिखा रहे हैं 2.4 दिखा रहे हैं फोटो, और सिग्नेचर के लिए जो मैक्सिमम साइज है वो 150px है, और जो फाइल का जो साइज है 100 KB मैक्सिमम जो साइज है। थैंक्स फ्रेंड।